में एक बड़ा शिकारी जब यहां पर सामने आया तो उसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद यहां पर हर कोई सकते में था कि आखिर कैसे देश की सेवा करने वाला, देश में रहकर सीमाओं की सुरक्षा करने वाला एक अधिकारी यहां पर वन्य जीवों का तस्कर बन बैठा। मेरठ के एक रिटायर्ड कर्नल और उसके नेशनल शूटर बेटे के घर डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस और वन विभाग की टीम ने जब छापा मारा तो जो कुछ यहां से बरामद हुआ उसको देखकर हर कोई दंग रह गया। 17 घंटे की कार्रवाई में कई प्रतिबंधित पशुओं की खाल, दांत, हिरण की खोपड़ियां, उनकी सींगें यहां पर मिली है। इसके अलावा यहां लगभग 100 किलो मांस भी बरामद किया गया, साथ में हथियारों का बड़ा जखीरा भी। मेरठ का सनकी शूटर, नेशनल शूटर का काला सच, शिकंजे में करोड़ों का शिकारी, यूपी के मेरठ में एक नेशनल शूटर के घर छापा मारा गया। रिटायर्ड कर्नल के घर आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई छापेमारी ने पूरे देश को हैरान कर दिया। रिटायर्ड कर्नल का नाम है देवेंद्र कुमार, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा ले चुके हैं। देवेंद्र कुमार के घर से 1 करोड़ की नई करेंसी और वन्य जीवों की खाल, खोपड़ी, सींग और वन विभाग से जुड़ी शूटिंग की 40 राइफल्स और पिस्टल समेत करीब 50,000 कारतूस बरामद किए गए। इतना ही नहीं, दुर्लभ और प्रतिबंधित वन्य जीवों का करीब 117 किलो मांस भी रिटायर्ड कर्नल के घर से बरामद हुआ। DRI, कस्टम्स, सेंट्रल कस्टम्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनकी ज्वाइंट टीमों ने कल उनके घर पर छापा डाला और छापे के साथ साथ अन्य चीज़ों के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक लेपर्ड की खाल जो प्रतिबंधित है, कुछ सींग, खोपड़ी, कुछ खोपड़ियाँ ऐसी जो जिनके मुंह जिसको स्टफ करके बोला जाता है, जिसको लैंग्वेज में हम ट्रॉफीज बोलते हैं, वो सब हमें बरामद हुई। इसके साथ साथ हमें 100 किलो से ज़्यादा मांस, वन्य जीव का मांस भी बरामद हुआ है, जो एक फ्रीज़र में रखा गया था, छोटे छोटे पैकेट्स में था। इन सभी चीज़ों को हमने सीज कर लिया है और सीज करने के बाद हमने इसका सीजर रिपोर्ट बना के अपनी टीम, जो ज्वाइंट टीम थी, उनको भी दिया है और जो कंसर्न जो अपराधी हैं जिनके घर पर छापा पड़ा था उनको भी दे दिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई करीब 17 घंटे तक चली और रविवार सुबह तकरीबन 3 बजे खत्म हुई। इस दौरान DRI की टीम को कर्नल के घर से जो सामान बरामद हुआ उसे देखकर एक बार के लिए टीम भी सन्न रह गई। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर से बरामद सामान में 1 करोड़ रुपए कैश, तेंदुए समेत जंगली जानवरों की खाल और सींग, संरक्षित प्रजाति के काले हिरण की 2 खोपड़ी और सींग, सांभर और हिरण के 8 सींग, जंगली जानवरों के दांत और चाकू, हाथी के दांत से बने चाकू भी बरामद किए गए। फ्रीजर में अलग अलग पैकेट में मिला 117 किलो जंगली जानवरों का मांस, 9 पिस्टल और 12 राइफल समेत 40 से ज्यादा देसी और विदेशी हथियार, करीब 50,000 कारतूस। सारा सामान घर के अंदर बने एक प्लाईवुड के गोदाम में रखा गया था। DRI के मुताबिक ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मारी जानी थी, लेकिन छापेमारी के दौरान जब ये सामान आया तो छापा मारने आई टीम के होश उड़ गए। इसके बाद टीम ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की लोकल टीम को इस मामले की खबर की। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और इस मामले में आगे की जाँच की। जो इन्फॉर्मेशन भी DRI का ही है और जो सीजर भी DRI ने किया है, मुकदमे भी वही लोग करेंगे। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और बाकी जो यहाँ के वन विभाग के लोगों को जो चीज़ें हैंडओवर करना था उन लोगों ने वन विभाग को हैंडओवर किया है। जो भी चीज़ें उनको अंदर मिला है वो सीज करके अपने ले गए हैं और किसी भी प्रकार की कोई केस अभी तक यहाँ रजिस्टर नहीं है। अगर DRI वाले कोई केस रजिस्टर करने के लिए कहे जाते हैं तो फिर हम लोग मुकदमा लिखेंगे। देखिए, जितने वेपन्स वहाँ सीज हुए हैं वो एक नेशनल शूटर हैं और शूटिंग के भी कुछ वेपन्स हैं और वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो कितने वेपन्स के पास उनके पास लाइसेंस है, कितने वेपन्स का लाइसेंस नहीं है, ये सीजर में DRI हमको
बता देंगे, जो इलीगल वेपन्स हैं हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल और उनके बेटे प्रशांत बिश्नोई के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की माने तो घर में रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार कभी कभार आते थे, यहाँ उनका बेटा प्रशांत बिश्नोई रहता है। हालांकि प्रशांत बिश्नोई अभी तक फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये वही पॉश इलाका है जिसमें पूर्व कर्नल देवेंद्र कुमार रहते हैं। मैं आपको देवेंद्र कुमार का घर दिखाना चाहता हूँ। ये देवेंद्र कुमार का घर है और इसी घर के अंदर जो है रेड पड़ी थी और रेड जो है लगभग 16 घंटे तक इसके अंदर छापेमारी रही है, जिसमें छापेमारी में 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, विदेशी पिस्टल राइफल्स बरामद हुई है और वन्य जीव की खाले दांत, काफी सारा इसके अंदर सामान बरामद हुआ है, जिसमें प्रशांत बिश्नोई नेशनल शूटर है और ये इनके पास जो है काफी सारी चीजें बरामद हुई है, लेकिन अभी ये फिलहाल जो है फरार बताए जा रहे हैं। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। जी हाँ, जब कर्नल देवेंद्र बिश्नोई के घर में छापा मारा गया उस वक्त ये सूचना नहीं थी कि यहाँ पर किसी तरह से जंगली जानवरों का अवैध शिकार हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई। लेकिन जब हाँ अंदर दाखिल हुई टीम और जो कुछ सामने आता चला गया उसने सभी को चौंका दिया। अब फिलहाल मामले में आगे कार्रवाई चल रही है। शिकंजे में शिकारी, शिकार की डर्टी पिक्चर, नेशनल शूटर की काली करतूत, मेरठ में रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार बिश्नोई के घर हुई इस छापेमारी में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस वक्त आय से अधिक संपत्ति के मामले में देवेंद्र बिश्नोई के घर पर छापेमारी की गई थी उस वक्त शायद टीम को इस बात की भनक तक नहीं होगी कि छापेमारी में इस तरह की चीजें सामने आएंगी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार बिश्नोई के जिस बेटे पर आरोप लगे हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि एक नेशनल शूटर है। प्रशांत बिश्नोई की एक सिक्योरिटी एजेंसी भी है और कई कैश वैन भी हैं जो एटीएम में कैश लोड करने का काम करती हैं। बताया जाता है कि उसके पास जंगल में नीलगाय का शिकार करने की अनुमति भी है, साथ ही उसे हाल ही में बिहार में 500 नील गायों को मारने का लाइसेंस भी मिला था। इसके अलावा प्रशांत का बरेली में एक कॉलेज और मेरठ में ईंटों के भट्टे भी हैं। डीआरआई ने कॉलेज के रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत के ताल्लुकात काफी रसूखदार लोगों से भी हैं। पुलिस को प्रशांत के घर से ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें उसके साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल, क्रिकेटर हरभजन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। मेरठ जिला प्रशासन के मुताबिक नेशनल शूटर होने के नाते प्रशांत ने राइफल का लाइसेंस मेरठ से ही लिया था। करीब 8 साल पहले डीएम ने लाइसेंस जारी किया था। प्रशांत का एक मकान दिल्ली में भी है। अब उसने इस लाइसेंस को दिल्ली के पते पर ही ट्रांसफर करा लिया है। प्रशांत के बारे में जांच के दौरान पता चला है कि वो लग्जरी कारों का भी शौकीन है। इसके अलावा यह पूरा मामला प्रतिबंधित जानवरों के अंगों और खालों की तस्करी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वन विभाग और डीआरआई की टीम को कर्नल के बंगले से जो रिकॉर्ड और सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रशांत वन्य जीवों के अंगों की खरीद फरोख ऑनलाइन करता था। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक प्रशांत के कमरे में से एक कंप्यूटर मिला है जिसमें कई अहम जानकारियां मिली हैं। जांच अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि जितने प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंग मिले हैं वे कहां से आए। जांच कर रहे अधिकारियों की माने तो इस मामले में अभी और भी खुलासे हो सकते हैं। कई राजों का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। पुलिस को अब प्रशांत बिश्नोई की तलाश है, क्योंकि प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद ही इस मामले में और भी कई खुलासे होंगे। हालांकि प्रशांत पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रिटायर्ड कर्नल बिश्नोई से पुलिस की टीम ने घंटों पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बताया कि प्रशांत बिश्नोई कहाँ है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना बड़ा गोरख धंधा इतने लंबे वक्त से चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे मुमकिन है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस।